Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Hello, assalamualaikum. पता है सबसे annoying part मुझे आज तक A levels नहीं लगता, मुझे O levels लगा था क्योंकि इतना stressful था वो time. इतने ज़्यादा exam के papers देने होते हैं. The best thing about O levels and A levels is कि आपको पूरा साल आप तफरिया करें, जो करना है करें, आखिरी के 3 महीने 2 महीने लग के पढ़ाई कर लें और ग्रेड लिया, क्योंकि सब आपका ग्रेड देखते हैं. ठीक है, आपका ग्रेड आया? नहीं, मेरा नहीं. अब सुनो, आई विल टेल यू. ओ लेवल्स होता है 3 साल का, हमारे स्कूल में 3 साल का था. सही है, वो 1 साल पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया करते थे. मैंने O3 जो होता है ना, जो 5 सब्जेक्ट्स देते हैं, वो मैंने 1 साल में सारे 0 से पढ़े थे. मुझे याद है मेरा O3 की क्लास थी, मैं गया केमिस्ट्री की क्लास में, सही है, ट्यूशन. उन्होंने मुझे सी लिख कर दिया, ठीक है, मतलब कार्बन. हाँ. बोर्ड पे लिखा सी, कहते हैं क्या लिखा हुआ है, मतलब किस चीज का एलिमेंट का वो. हाँ. मैंने कहा ये कैल्शियम है. लिटरली मैंने बोला कैल्शियम. उन्होंने अलग अलग ओ लिखा, अलग अलग करके, मुझे कुछ भी नहीं आता था. ठीक है, उन्होंने मुझे पता क्या कहा था, लिटरली कहने लगे अगर आप इस क्लास में और रहे ना, क्लास का पेस बहुत स्लो हो जाएगा, ये बच्चे मसले, आप प्लीज आप छोड़ दें, एग्जिट कर जाए, कहीं और चले जाए. फिर मैं बता रहा हूँ कि इतने बुरे स्टार्ट से मेरा ए आ गया था केमिस्ट्री में आ गया था. इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं 1 साल 6 महीने जो भी हो. दैट्स द गुड थिंग अबाउट ओ एंड ए लेवल्स. मैंने ओ लेवल्स में बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ा था. मैं ट्यूशंस भी ले रही थी, मैं कोचिंग्स भी जा रही थी. मैंने मैथ्स के लिए 2 ट्यूशंस दी थी. मैं मॉक एग्जाम में मेरा यू आया था, और मैंने फिर से रीमॉक दिया तो मेरा फिर से यू आया था, लेकिन एग्जाम में क्या आया था, मेरा बी आया था. अब देखो ना, दैट्स द थिंग. अभी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, असेसमेंट्स में अच्छे ग्रेड नहीं है, जीपीए गिरती रहेगी. मिड्स में अच्छा नहीं किया, जीपीए गिर जाएगी. एंड में आपकी पूरी ओवरऑल क्यूमुलेटिव देखा जाता है. इसमें क्या है, यू ले आओ, अगले दिन पेपर अच्छा दे दिया, ए आ जाए. और नहीं, सीआईज में थ्रेशहोल्ड भी होता है फॉर द किड्स जो नए नए आए हैं अभी ओ लेवल्स में. आपका एक थ्रेशहोल्ड होता है एग्जाम का, पेपर अगर मुश्किल आते हैं तो थ्रेशहोल्ड गिरता है, एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं ना. हाँ, तो भाई ये चल रहा है बेसिकली, क्यों करके कर्व बनाया भाई, ये नॉर्मल इतनी वैल्यू आ रही तो इधर शिफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट, वो एक मैथ है पूरी. तुमने कैसे स्ट्रेच मैनेज किया? देखो ओ लेवल्स और ए लेवल्स का बताना, यूनिवर्सिटी का भी हम नहीं डिस्कस करेंगे. अच्छा भाई देखो, यूनिवर्स ओ एंड ए लेवल्स का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कुछ लाइफ के डिसीजंस, कुछ ऐसे टर्न्स आते हैं जो कि वापस जिंदगी में नहीं मिलता आपको. सही है, अगर आपने उस वक्त अच्छा परफॉर्म कर लिया तो मज़े, वरना आप हमेशा बहाने बनाते रहेंगे, यार उस वक्त ना पेपर ऐसा आ गया था, हमेशा एक्सक्यूजेस देंगे. तो कुछ ऐसे टाइम होते हैं, जैसे पेपर है मई में, आपको पता है भाई 20 साल से पेपर मई में ही हो रहा है. अब गधे अगर आप अप्रैल में किताबें उठा रहे हैं, अगर आप बुक्स उठाते हैं अपनी फरवरी में उठा लेते हैं, जनवरी में उठा ली कि भाई अब मिड्स हो गए, दिसंबर में छुट्टियां हो गई, अब 5 महीने लगा के पढ़ना है, तो ये 5 महीने पढ़ लो तो तुम्हारी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा. जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, वहाँ के टीचर्स अच्छे होंगे, वहाँ की जैसे कहते हैं ना अप्रोच अच्छी होगी, बाहर की यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करेंगे. कॉम्पिटिशन भी बहुत होता है. अगर आपके आसपास एज वाले बच्चे बैठे हैं, अगर आप सी वाले स्टूडेंट हैं और आसपास एज हैं, तो आपका बी आ ही जाएगा. अगर आप बैठे उसी जगह पे जहाँ पे ईज और यूज वाले बच्चे हैं, तो आपका कभी भी बी नहीं या ए नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है. ये निक्सर में हमारे साथ होता है. हम तीनों निक्सर के, ये मेरे निक्सर के दोस्त हैं. सो व्हेन आई गॉट इनटू निक्सर, मैं बहुत डम थी एंड एवरीवन अराउंड मी वाज सो स्मार्ट कि एक फजूल का वो आ जाता है प्रेशर दिमाग में, जबकि वो प्रेशर बहुत स्ट्रेसफुल होता है. ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत सुकून में आप निकाल रहे हो, वो बहुत गंदा प्रेशर होता है. बट इवेंचुअली आप उस लेवल पे ए को पहुंचने के लिए ना बी जरूर पकड़ मिल जाता है. तो यार स्ट्रेस कैसे मैनेज किया था मैंने तो ऑनेस्टली, मैंने तो मैनेज ही नहीं किया था. मैंने भी, मैं तो बहुत रोती मैं रोती थी, मरती थी, मारती थी हर चीज. भाई बस यही है कि जब भी स्ट्रेस हो, बस सोचो कि यार, मैं एक चीज सोचता हूँ कि ना, जब भी अभी भी स्ट्रेस होता है तो ये जो ये वाला टाइम पीरियड है ना, कि जिसमें सर में दर्द हो रहा है, रातों को उठना, ये बहुत कम पीरियड है. ठीक है, जो मजे वाला पीरियड होता है ना, जिसमें आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं, जिसमें आप बड़े लोगों से मिलते हो, जगहों को, वो बहुत लंबा टाइम मिलता है. तो छोटा टाइम थोड़ा सा कर लो बर्दाश्त, ताकि अच्छा बड़ा मिले. और एकेडमिक गोल्स रखो, जैसे ग्रेड को अपना गोल नहीं रखो, अपना गोल रखो आज ये चैप्टर खत्म करना है तो ये करना है, और अच्छे से उसको कम्प्लीट करो. इतने टाइम पीरियड में मैं इतने चैप्टर्स कर लूंगा, और वो फिर हो जाता है. एंड इवेंचुअली जब आपने पढ़ा होता है, आपके ग्रेड्स आ ही जाते हैं. क्योंकि एक होता है गोल, गोल सेम रहता है भाई. गोल है कि मुझे एस चाहिए, गोल है वो कि हमेशा मुझे ना, वो एक स्टैग्नेंट वो होता है. प्लान चेंज होता रहता है कि यार मैं आज पढ़ नहीं पाया, आज दावत हो गई, तो मुझे अब कल डबल पढ़ना है, ताकि मैं आज और कल का, ये मेरी प्लानिंग, ये शिफ्ट हो सकती है. गोल सेम होना चाहिए. और मैं बताऊँ इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स क्या है, अपने जो सर्कल है ना, क्लोज सर्कल, वो अच्छा रख लो.
क्योंकि अगर क्लोज सर्कल अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तफरी भी करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक है कि यार पढ़ना है ना. क्लोज सर्कल ऐसे जज करा करो कि कौन कितना रैशनल है, जिसके अंदर मतलब उसको टाइम मैनेजमेंट आपकी ना खराब करे. या तो अगर आप ऐसे दोस्तों में हो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिन जो अमीर बाप के बच्चे हैं जो मतलब उनको ग्रेड से फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर निकल जाएंगे इवेंचुअली. उसमें भी ना चूज योर सेल्फ फर्स्ट कि भाई मुझे पढ़ना है, मैं नहीं आ सकता. आगे से तो सुनो भी, लेकिन कीप योर सेल्फ एज योर प्रायोरिटी. तुम अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए. ओ ए लेवल्स में मुझे याद है हम लोग तो चलो बैलेंस कर लिया करते थे, लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे कि हर पार्टी में जाना है, हर जो है ना इवेंट पे जाना है, अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप्स में कि जो ऑब्वियसली पहले से जिनका बना बनाया हर चीज है, तो एंड में क्या होता है वो आगे निकल जाते हैं और आपको एक धक्का पड़ता है और आप बिल्कुल पीछे चले जाते हो, क्योंकि ना आपने अपने आपको टाइम दिया था, ना आपने ग्रोथ की थी, ना पर्सनैलिटी पे कभी काम किया था. अपनी ग्रोथ पे सबसे ज्यादा काम करना होता है. और ये भी होता है कि चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली. जब अगर नए स्कूल में गए हो, नए कॉलेज में गए हो, स्पेशली जब ए लेवल कॉलेज चेंज होते हैं, आप स्कूल से निकल के ए लेवल कॉलेज में जाते हो, बहुत घटिया लोग मिलते हैं लिटरली. आपको आपको अगर अपनाइयत महसूस नहीं हो रही ना उस जगह पे, डोंट गो इन टू दैट सिटिंग, वरना वहाँ पे तो हर चीज हो रही होती है. एंड इट इज बेस्ट कि अगर आपकी फैमिली उस चीज में बिलीव नहीं रखती, आपकी फैमिली ने आपको वो मॉरल्स नहीं दिए जो उनके मॉरल्स हैं, भाग जाओ भाई, फॉरन भाग जाओ. हाँ, क्योंकि इवेंचुअली जो है ना आप खुद ही टायर हो जाओगे. और अपने आप को कूल बनाने के लिए नहीं करना कुछ भी कि भाई कि मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा तो दे विल एक्सेप्ट मी. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल तुम्हारे कॉलेज में जो तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे. जरूरी नहीं है कि उसी कूल ग्रुप में बैठना है जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड. यू ऑलवेज फाइंड योर ग्रुप ऑफ पीपल. कभी भी लाइक वो दोस्त बना के सेटल नहीं हो जाना चाहिए कि यार बस सही है, बन गए दोस्त, सही है, थोड़े मुझसे अलग हैं लेकिन अब हो गए ना, मुझे और एफर्ट नहीं लगानी लोगों से बात करके. लाइक ट्राई टू फाइंड योर टाइप ऑफ पीपल. हर जगह आपकी तरह के लोग होते हैं, ढूंढना पड़ता है. जैसे मैं भी जब मिक्सर गई थी, देयर वर कोई भी मेरी जो स्कूल की दोस्त थी वो नहीं आई थी. आई फाउंड आफिया. आफिया और मैं बस एक ही टेबल पे बैठे थे और इसने मुझसे बात करना शुरू की. एंड देन आई एम से कि तो मेरी जैसी है, तो हमने बातें शुरू की. एंड देन वी गॉट टू नो इच अदर और फिर हम दोस्त बन गए. फिर आफिया की दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई, फिर मेरी दोस्तों से आफिया की दोस्ती हुई, ऐसी फिर हमने अपना एक सर्कल बना लिया. ये इन दोनों का बहुत अच्छा पॉइंट है. मैं चीज में बहुत वीक हूँ इसलिए मैं इतना वो नहीं कर रहा. अच्छा, अगर आप एक अच्छे लड़के हो, अच्छे बैकग्राउंड से आए हो, आपकी फैमिली इज वेरी रेप्यूटेबल इन द सोसाइटी, और फिर आप बहुत ही गंदे लड़कों में फंस जाओ जस्ट टू गेट कूल और जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड, और ड्रग्स करने लगो, शराबें पीने लगो, उस चीज में आई वुड रिकमेंड जहाँ पे ये चीजें हो रही है ना, गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन. इट इज नॉट गुड. जिंदगियां खराब बर्बाद हो जाती हैं, आपके गोल्स आपसे छिन जाते हैं. हाँ, मतलब कहाँ तक जाओगे मतलब. तो अपनी एनवायरनमेंट को देखो कि अगर कहीं पे पीयर प्रेशर भी, ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे, इफ अ फ्रेंड इज पीयर प्रेशरिंग यू टू डू समथिंग यू डोंट वांट टू, ही इज नॉट योर फ्रेंड और शी इज नॉट योर फ्रेंड. हाँ, ये बात तो है. Exactly. मतलब प्रेशर देने का मतलब ही यही है कि आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, और एक अनकंफर्टेबल चीज को आप कोशिश करो पुश करके कि भाई तू सीधा हो जा, कर ले. और एक बार आप देखते हो ना अपने सराउंडिंग में कि ये सब लोग भी कर रहे हैं और नॉर्मल है इनके लिए, तो शायद नॉर्मल ही हो, तो आप भी वो ट्राई कर लोगे. डोंट नॉर्मलाइज समथिंग दैट यू नो इट इज नॉट नॉर्मल, या यू नो दैट इज समथिंग के वो हराम चीज है. उसको नॉर्मलाइज करने की कोई जरूरत है नहीं. देयर इज नो पॉइंट इन नॉर्मलाइजिंग स्टफ लाइक दैट. तो उस चीज में भी बहुत बच के रहना. लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो हमने बात नहीं की. हमारा आज का टॉपिक चेंज हो गया, हाउ टू गेट अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड यू व्हिच कैन हेल्प यू ग्रो एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ लेटर इन लाइफ. खैर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे यही कहूंगा कि हर बच्चे का अपना तरीका होता है, कोपिंग मैकेनिज्म. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला माशाल्लाह बोल दें आप लोग प्लीज. मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम के उसमें कभी भी रोया टेंशन कुछ भी नहीं हुआ. मैं लिटरली, मुझे जैसे मेरी दोस्ती भी कहती है अभी MBBS में इतना स्ट्रेस होता है, बच्चे लिटरली रोज आते हैं यार, इतना पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस है, परसों एग्जाम है, रोज आते हैं. लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला का क्या है, बस होता नहीं है मुझसे, मैं कर लेता हूँ. लेकिन अब हर बंदे का अपना तरीका, ये नहीं कि जैसे बंदा होके बैठ जाए. क्योंकि मैं ना
एंड में ही पढ़ सकता हूँ, मैं शुरू में नहीं पढ़ सकता। ये भी टाइप्स होती हैं, मैं ना कंसिस्टेंटली पढ़ती हूँ, मैं एंड में नहीं पढ़ सकती। मेरी कुछ दोस्तें हैं जो कि डे वन से, जैसे अगर 50 वीडियोज है ना तो वो 1, 2, 3 करके देखेंगे, मैं आखिरी 2 हफ्ते में वो 50 वीडियोज पूरी देखूंगा एक साथ, फिर मैं नहीं उठता, एक दफा बैठ गया तो बैठ गया। तो हर बंदे का बहुत अपना तरीका है, एंड ओ एन ए लेवल्स में यू हैव टू फाइंड दैट वे कि आपका क्या तरीका है। हर किसी को देखो नहीं, अच्छा यार वो देखो, वो दिन में ना 3 पास पेपर कर रहे हैं, मुझे भी भाई। और जो टीचर अगर बोल रहे हैं ना कि भाई तुम ये आज 1 पास पेपर कर लो, तुम्हें पता है कि भाई मैं एंड में पढ़ के ले आऊंगा मार्क्स, तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि एंड में मुझे, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो वो तुम कंसिस्टेंटली रोज 1-1 पास पेपर करते रहो, वरना फाइंड योर ओन वे। अब ओ लेवल्स में तो चलो पता चल ही जाता है स्कूल के, और हर उसमें ना डिफरेंट होता है, यूनिवर्सिटी में अलग तरीका होता है पढ़ाई का, ओ एन ए लेवल्स में बहुत अलग तरीका होता था। ओ एन ए लेवल्स बहुत सिस्टमैटिक है, सही है। हाँ। आपको पता होता है कि अगर आपने इस वक्त तक ये नहीं किया तो मसला है, क्योंकि हजारों बच्चे एक ही चीज कर चुके होते हैं, आपके सामने बच्चे कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा इन्वायरमेंट देखें, अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, आस पास के दोस्त अच्छे हैं, थ्राइव करोगे, बढ़ोगे, हेल्दी होगा, तो लिटरली पेपर भी यूं ही निकलेंगे सब। लिटरली हमारे जो अच्छे ग्रुप्स होते थे यूनिवर्सिटी में, मेरा हुआ नहीं ए लेवल्स में अच्छा ग्रेड, लेकिन जो आसपास के दोस्त ना लिटरली सबके एज थे, एज और बी, सी तो था ही नहीं किसी का, ए बी ए चल, सबके ए चल रहे थे, मेरे पता नहीं क्यों नहीं आए थे। लेकिन एक और, देयर इज वन टिप, पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्किंग स्कीम को ना एक बार बस दिमाग में बिठा लो और आंसर्स उसी की तरह लिखो। मेरा एक मसला था, मैं कभी भी मार्किंग स्कीम की तरह लिखती नहीं थी, मैं पास पेपर्स कर लेती थी लेकिन मार्किंग स्कीम कभी मैं चेक नहीं करती थी। दैट वाज व्हाट आई मेड लाइक द बिगेस्ट ब्लंडर, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। और ए लेवल्स में आके मुझे पता चला कि ओ मार्किंग स्कीम भी चेक करनी होती है, तो उधर से फिर खैर मेरा ABC आ गया, वो भी एक्सपेक्टेड ग्रेड से, वरना नहीं आता। बट मार्किंग स्कीम इज द मेन की टू गेट गुड ग्रेड। मेरा एक दोस्त है, उसको शाउट आउट दूंगा, अमान कमानी, वो भाई क्या करते थे, उनको ना प्राइवेट कर दिया था निक्सर में ना। हाँ। कि उसके वो नहीं आ रहे थे असेसमेंट्स में अच्छे, प्राइवेट कहते ठीक है। अच्छा, उसका तरीका अभी भी यही है, सबसे पहले वो सिलेबस से पहले पास पेपर्स खोलता है, ठीक है, और वो जाता है मार्किंग स्कीम पे, आंसर्स देखता है कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है, मतलब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बस ये बता दो, मैं उस टॉपिक से पढ़ूँ, पढ़ेगा वो पूरा टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक की वो जो मार्किंग स्कीम की चीज़ें थी ना उनको वो पी जाएगा, मतलब कि ये तो याद करनी है, इस पे मार्क्स हैं, और उसका ए आ गया था, उसको प्राइवेट किया, उसका ए आ गया था फिजिक्स में, वो भी तो यही था उसका तरीका, यही था कि वो पहले पास पेपर्स और फिर मतलब मार्किंग स्कीम और फिर सिलेबस पढ़ता था उसके हिसाब से। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड वे, उससे बहुत एज मिल जाता है आपको। ये हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी है टू सर्वाइव ओ एन ए लेवल। और चीजें भी बता दूं, मैं भी खामोश हूं, मुझे नहीं पता था पढ़ाई की बात साइड में हो जाती है। हमने वैसे वीडियो से पहले ना, हमें बस कोई टॉपिक नहीं था, हम बस बातें करने लग गए हैं, क्योंकि अच्छा मेनली कभी भी मोटिवेशन कम हो ना, बस किसी ऐसे बंदे को देख लें जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी में, उससे बात बात करें, क्योंकि एक दफा बुरे ग्रेड्स आ गए, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ना आप थोड़ा पीछे रह जाते, होता है, फर्क पड़ता है सबको, लोग जितना भी कहेंगे नहीं नहीं, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस, होता है, लेकिन वो मोमेंट बार बार नहीं आता है। एक तो फीस और बहुत महंगी हो गई, थोड़ा अम्मी अब्बू का भी ख्याल करें, जो बात बहुत महंगी हो गई है फीस में, बहुत सिर्फ एग्जाम्स की भी जितनी महंगी हो गई है। तो ये बस मोमेंट्स होते हैं, ओ लेवल्स का पेपर, ए लेवल्स का पेपर, ये अच्छे से दे दो, एक दफा यूनिवर्सिटी आ गए, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, निकल जाते हैं। तो ये है, बट ग्रेड्स डू मैटर, सो स्टडी हार्ड, ओके, प्लीज, बाय, थैंक यू, बाय बाय। Okay.